हाँ जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया ट्वीट आ चुका है जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी। यहाँ देखिए क्या लिखा है इन्होंने। डियर टैक्स पेयर स्टेक होल्डर्स, आवर हेल्पलाइन नंबर ऑपरेशनल 24/7 टूडे, मतलब जो 31 जुलाई है 24/7 इनका जो 24/7 है इनका जो आज हेल्पलाइन है वो चालू रहेगी। ये इन्होंने नंबर दिए हैं कि आपके पास कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आईटीआर फाइलिंग से आपको दिक्कत आ रही हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इन्होंने आज जो ये 24/7 सर्विस चालू रखी है टूडे के लिए 31 जुलाई, तो इसका मतलब कि इनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। इस हिसाब से एक और ट्वीट देख लीजिए, अब रिजल्ट किस बेसिस पे लगेगा कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। यहाँ देखिए जो कल रात का ट्वीट है, मोर देन 5.10 करोड़ आईटीआर्स हैव बीन फाइल्ड टिल 30 जुलाई 2022, मतलब कि 30 जुलाई 2022 तक 5.10 करोड़ रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कल के दिन सिर्फ 30 जुलाई को यहाँ देखेंगे आप 57.51 लाख आईटीआर फाइल हुई है एक ही दिन में 30 जुलाई को। मतलब कि जो आज का दिन है इसमें भी इतने या इससे ज्यादा आईटीआर फाइल होंगी, और जो हमारा 6 करोड़ सवा 6 करोड़ तक की आईटीआर हैं उसके आसपास ये डाटा पहुंच सकता है। तो टुडे इज द ड्यू डेट टू फाइल आईटीआर फॉर 2022-23, मतलब कि कुछ भी एक्सटेंड होने की यहाँ पर लग नहीं रही है उम्मीद। डू रिमेम्बर टू फाइल योर रिटर्न्स इफ यू नॉट फाइल्ड एज येट, फाइल नाउ टू अवॉइड लेट फीस। सीधा सीधा कहा इन्होंने, अभी फाइल कीजिए नहीं तो लेट फीस लगेगी। मतलब एक्सटेंशन की तो कोई कहीं बात ही नहीं की जा रही है। तो ये बड़ा ट्वीट इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से निकल के आया है कि 24/7 सर्विसेज चालू रहेंगी क्वेरीज के लिए, मतलब कि ड्यू डेट एक्सटेंड आज नहीं होगी। देखते हैं अगर पोर्टल ठीक ढंग से काम करता है तो, बाकी अभी तक पोर्टल बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऐसे ही पोर्टल काम करता रहा तो ड्यू डेट एक्सटेंड होना मुश्किल है। अगर पोर्टल में कुछ दिक्कत ज्यादा ही आती है तो शायद ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ देखने वाली चीज एक है कि जो आज के दिन जो रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उन रिटर्न्स में क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। लोग लेट फीस के चक्कर में या फिर लास्ट ड्यू डेट के चक्कर में अपनी रिटर्न्स को जैसे भी फाइल कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रिटर्न फाइल नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ रिटर्न फाइल हो रही है। अच्छे से डाटा सारा फिल नहीं कर पा रहे हैं लोग, फिर बाद में नोटिस आता है कि आपने ये डाटा फिल किया। पर आप ये तो देख लीजिए कि टाइम कितना है हमारे पास। और इस बार मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या होता था कि शेयर्स का डाटा AIS पोर्टल पर बहुत सी चीजें नहीं आती थी, तो AIS पोर्टल आने से बहुत सी चीजें इनकम टैक्स पोर्टल पे आई। तो पहले सिर्फ लोगों की सिंपल रिटर्न जा रही थी, ITR 1 फाइल हो रही थी, अब लगभग रिटर्नों में कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चाहे लॉस है उसे भी फिल करना पड़ता है। तो ITR भरने का टाइम भी बढ़ चुका है, ITR भरने के लिए बहुत सा टाइम अब कंज्यूमिंग होने लगा है। तो उसको देखते हुए भी 31 जुलाई तो बहुत कम टाइम रखा गया है, तो इसके हिसाब से ड्यू डेट एक्सटेंड करनी चाहिए थी। पर इनकी तरफ से तो ट्वीट यही आ रहे हैं कि आज ही फाइल कर लें, 24/7 सर्विसेज चालू हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब तो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी। बाकी पोर्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि पोर्टल कैसा चलता है आज। तो चलो देखते हैं, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है ड्यू डेट एक्सटेंड से रिलेटेड तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।